अब जो है मैं खा रहा हूँ बीफ का कोरमा और झींगे। और मुझे नहीं पता झींगे किस किस को पसंद है, लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। तो अब हम ये खाएंगे, इसके साथ है हमारे पास पराठे, उसके बाद हम निकलेंगे और फिर हम जाएंगे जितने भी मेहमान हैं उनको पिक करने। इतनी देर में बच जाएगा तकरीबन 6:30-7:30, मतलब नेक्स्ट मज़ा आएगा। ओए होए, भाई इतना ही टाइम था हमारे पास कि हम जो है ये सब खाएं और बस फिर निकलें। फिर देखते हैं कि किस किस को एयरपोर्ट छोड़ना है, किस को नहीं छोड़ना। बहुत मज़ा आएगा। और अगर किसी को बीफ कोरमा और झींगे पसंद है तो बताएं। सुबह के बज रहे हैं 7 और पूरी रात सोया नहीं हूँ, बस अभी अभी ये चेंज किया, नया ब्लॉग बनाना था। तो यस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, सी शेल ग्रैंड होटल पे आए हैं। तो बस हम लेते हैं फिर देखते हैं। जो सो गए वो सो गए, बाकी जो जाग रहे ब्रेन मसाला, अच्छा सा नाश्ता। हाँ, ब्रेन मसाला ये, और इन लोगों के लिए लस्सी। वाज़े मेंशन कर रहा हूँ मैं बार बार, इन लोगों के लिए लस्सी। हाँ जी पूछो। मैंने आपसे ये पूछना था कि समंदर कितना गहरा होता है। कितना गहरा है? टूटा हुआ राज़ूम है। आओ देखते हैं कितना गहरा। नहीं, किलोमीटर्स के हिसाब से, मतलब यहाँ से लेकर अगर हमारे होटल तक जाए। हाँ, लंबाई में तो ऐसे। अच्छा, इधर देखो, उधर देख रही हो वो सामने, वो पूरा समंदर ही समंदर है। हमारा होटल वही है। नहीं हाँ, गहराई में। गहराई में ये बच्चे डिपेंड करते हैं, किसी जगह 100 मीटर होता है। अली की गहराई कितनी है? अच्छा सुनो, अली की हाइट होगी 5859। पागल है। अच्छा सुनो, तो किसी जगह पे ये होगा 10 फुट, किसी जगह पे होगा ये 100 फुट, किसी जगह पे मैक्सिमम मैक्सिमम तो 1000 फुट होता है। हजारों हजारों मैक्सिमम समंदर। तो तुम कभी ना मेरी आईडी पे जाना, समंदर की गहराई आज तक नापी नहीं गई, कोई नाप नहीं सकता। अच्छा अब जरा सा सुन लो, तुम किसी दिन ना मेरी आईडी पे जाना, उसमें फिशिंग वाला मेरा जो व्लॉग है वो देखना, उसमें आपको अंदाजा होगा कि समंदर कितना कितना गहरा हो सकता है। Okay. वो देख के अंदाजा होगा। Okay. हाँ, तो ये हम आ गए दो दरिया पे और बड़े सीरियस सवाल के साथ हम जा सकते हैं। और उसकी हरकतें देखो, इसको दो दरिया क्यों कहते हैं? मतलब कुछ भी कर रहे हैं ना, सही है। इसको दो दरिया क्यों कहते हैं? दो दरिया इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो दरिया मिलते हैं। कैसे? वो जो वो वाला जॉइंट है वहाँ पे विलेज है, विलेज के इस तरफ वाला जो जॉइंट है, ये सारा दरिया, यहाँ पे लहर नहीं आती। दरिया उसको कहते हैं जहाँ पे लहर ना आती है। तो ये समंदर नहीं है? मतलब समंदर है लेकिन इस जगह पे लहर नहीं आती। तो समंदर को कुछ भी नहीं कहते, इसको दरिया कहते हैं। यार अली भाई, इसको समंदर क्यों नहीं कहते, दरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ लहर नहीं आती। मैंने इसका जवाब ये दिया, अब ये कह रहे हैं यहाँ लहर क्यों नहीं आती। ये समंदर तो ना हुआ ना, दरिया हुआ ये। मारो मुझे, मारो मारो जब। ये पानी गंदा तो नहीं है वैसे? हाँ, तुम इस साथ तुम आगे नहीं। ओ देख के बिच्छू है इधर। सारे रहे सो, फ्लाइट का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, बस फिर मैं भी सोऊंगा। मुझे भी सोना है, अली भाई भी सोएंगे। अच्छा हाँ, अली भाई भी सोएंगे। अली भाई तो नहीं जा रहा है आज। वाकई फेंकना? अच्छा क्या सर, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। वो बाइक वाले तो सच में बहुत कमाल था। चलो, और ना अगली बार जब मैं आऊंगी ना तो पानी अंदर भी जाएंगे। हाँ डन, चल लेना। डन।
अच्छा जी मुनीब भाई जो है वो हो रहे हैं रवाना भाई, मत जाओ यार। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अच्छा मेरी बारी में ही कॉपीराइट पड़वाना है, बाकी कभी नहीं किसी के। मतलब इतना अच्छा तो मेरी ओरिजिनल जैसी आवाज है मेरी, कसम से बहुत करीब। अच्छा वो क्या कह रहे हैं सुजुकी भाई, सुजुकी भाई नहीं सिद्दीकी भाई, वो हमारा बच्चा जो है ना वो बोल रहा है वो आ रहा है। उसकी उसका ना रूस का एक वाकया हुआ था अभी सी साइड पे। हाँ वो आपको बॉस नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, बड़ी मजे की स्टोरी है वो, लाजमी बॉस को याद करवाना है, सुननी है रूस की, बड़ी फनी स्टोरी है। हाँ लाजमी बताऊंगा मैं। मकसूद भाई सर क्या कह रहे हो? सर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं मुनीब भाई, तो ना जाए तो रोक ले। ये तो रुकने को तैयार है मुनीब भाई। नकाब पोश दागू हसीना है, दो वारदात तो अभी हुई है सी व्यू पे, रास्ते में बताता हूँ। स्टोरी भी दे गई है मेरी, वो भी कम्प्लीट करनी है। चलो बस ठीक है मुनीब भाई, वो देखिए फिर कहेंगे। मैं अल्लाह की कसम नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे तो जा रहे हैं। वो कर लो एक सवाल है अबे, इतने प्यारे सवाल किए मेरे बच्चे ने, शहजादे ने, ब्लॉग में आप लोग देख रहे हैं, बड़ा मजा आया। ये ब्लॉग में भी है ऐसे हमेशा की तरह, बहुत अच्छा लगा बोस साहब से मिलके। यार बोस का कुछ कर दो यार, अगर अब तुमने सुजुकी भाई बोला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे नहीं, वैसे एक बात बताऊं मैं, तुम बिलाओ मुझे प्रमोशन पे, प्रमोशन गिर जा रही हूं ना। ये देखो गाड़ी नहीं दे रहे तुम्हें, और हो सकता है दे भी दे, कोई फर्क नहीं। अभी कौन रह गया? बोली कोई, अभी सिर्फ कोरोना रह गया, आस पास तुम लोगों ने पूरे लगाए। बाय बाय लाइंस बोल रही हूं आपने व्लॉग में, ठीक है? नहीं वो हम गाड़ी में करेंगे। नहीं 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 अभी नहीं बोलनी आपने, क्योंकि आप बिल्कुल एंड में, मतलब समझ रहे हो आप, एंड है आपका तो नहीं, क्योंकि आपकी बारी पे मैंने गया बट डन। क्या चल रहा है मुनीब भाई? वो सी वो ढूंढ रही है जो ले, नींद में है ना वो। हाँ उसको मिल ले गया उसको। हाँ उसको लाए तो लाए उसको रूस के पड़ता है जो ले रहना। हाँ जिस तक उसके रखते हैं ना उसको तो छोड़ते हैं रूस को। हाँ बेटा हाँ से आप स्लाइड में आओ, ऊपर ऊपर हो जाओ यार, इन केस अगर कोई बच्चा फंसे तो कहाँ से जाएगा? कहाँ से? हाँ जैसे इसको रास्ता कौन समझाएगा? और ऊपर इधर से आ जाओ, इधर आ जाइए बॉस। स्लाइड वो ही ऊपर है। अच्छा ये क्या इस ब्लॉग को करते यही एंड, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाय हाय।